ये बात किसी से छिपी नहीं है कि असम में बांग्लादेश के करीबी जिलों में मुस्लिम आबादी 50 से 70 फीसद के बीच है। मुस्लिम आबादी के इस ताने बाने के पीछे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं या नहीं, जिसे तुष्टीकरण और वोट बैंक के खेल की वजह से बरसों से अंजाम दिया जा रहा है, ऐसा आरोप लगता रहा है। ये खेल कितना खतरनाक है और किसके इशारे पर हो रहा है, इसका खुलासा सेना प्रमुख बिपिन रावत ने किया है। लेकिन सेना प्रमुख ने इधर बयान दिया और उधर मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी करने वाले मैदान में उतर गए। सेना प्रमुख के बयान पर सियासत होने लगी, लेकिन घुसपैठ के पीछे पाकिस्तान और चीन की साजिश को नजरअंदाज कर दिया गया। सवाल मोदी राज में असहिष्णुता पर उठता हो, जब सवाल राष्ट्रवाद के बुखार पर उठता हो, सवाल जब हिंदू बना मुसलमान पर उठता हो, उस वक्त सेना प्रमुख विपिन रावत का ये कहना कि असम में मुस्लिम आबादी में बेतहाशा इजाफे के पीछे खतरनाक साजिश है, तो बात गर्मा गर्म तकरीरों में बदल जाती है। इन तकरीरों का लब्बो लुआब और असलियत दिखाएं, उससे पहले सुनिए कि आखिर सेना प्रमुख विपिन रावत ने कहा क्या है। लैंड इमिग्रेशन दैट इज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ आवर वेस्टर्न नेबर, दे विल ऑलवेज ट्राई एंड एंश्योर दैट दिस एरिया इज टेकन ओवर थ्रू प्लेइंग द प्रॉक्सी डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर। यू डोंट हैव टू कन्फ्रंट अ स्ट्रॉन्गर नेशन थ्रू कन्वेंशनल ऑपरेशन, सो यू प्ले अ प्रॉक्सी गेम। I think this proxy game is being very well played by a western neighbor, supported also by a northern neighbor. सेना के सर्वे सर्वा ने जो कहा उसका सीधा मतलब तो यही है कि असम में बढ़ती मुस्लिम आबादी के पीछे पाकिस्तान और चीन की साजिश है। भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान घुसपैठियों का बांग्लादेशी बम फोड़ रहे हैं, लेकिन सेना प्रमुख ने इतना कहने के साथ ये भी जोड़ दिया कि साजिश वाले बांग्लादेशी बम के पीछे असम के सियासी मोहरे भी सक्रिय हैं, तो इससे सियासत के अखाड़े में हंगामा मच गया। There is a party called AIUDF, if you look at, they have grown in a faster time frame than with the BJP grew over the years. AIUDF is moving at a faster pace in the state of Assam. सेना प्रमुख विपिन रावत ने जिस AIUDF का नाम लिया उसके सर्वे सर्वा बदरुद्दीन अजमल हैं। उनकी पार्टी AIUDF लगातार ऊपरी असम और बांग्लादेश की सीमा से लगे हिस्सों में मजबूती से जनाधार बढ़ा रही है। लोकसभा सांसद बदरुद्दीन अजमल पर आरोप लगता है कि वो असम में बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को बसाते हैं और फिर वोटर बनाकर सियासी रोटी सेंकते हैं। अजमल साहब पर ऐसे आरोप बरसों से लग रहे हैं, लेकिन सेना प्रमुख के खुल्लम खुल्ला बयान के बाद AIUDF मुखिया तिल मिला गए। हमको लगता है कि उनको कुछ इंफॉर्मेशन मिस इंफॉर्मेशन या मिसगाइड किया गया। इस मामले में उनके दिल में अगर कोई गलतफहमी है तो उनको गलतफहमी को दूर करना चाहिए। हमारी पार्टी ऐसी कोई पार्टी नहीं है। बदरुद्दीन अजमल दलील देते हैं कि असम में पांव पसार रही उनकी पार्टी मुस्लिम राजनीति का मुखौटा नहीं है, पार्टी में हिंदू विधायकों और नेताओं की कमी नहीं है। बेशक बदरुद्दीन साहब की दलील सही हो, लेकिन इससे जुदा सच्चाई यही है कि असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से जनसंख्या का ताना बाना बिगाड़ने का खेल पुराना है। असम में यह मुद्दा इतना गंभीर है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य में मूल निवासियों और बांग्लादेशियों की पहचान हो रही है। कड़वी सच्चाई है कि इस साल जनवरी महीने में असम सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC का पहला ड्राफ्ट जारी किया। ये NRC सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद जारी किया गया है। NRC रिपोर्ट के मुताबिक पहले दौर में सिर्फ 1.9 करोड़ लोगों को ही भारत का वैध नागरिक माना गया, जबकि कुल 3.29 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था। इतना ही नहीं, 2011 की जनगणना के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। असम के कुछ जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से मुस्लिम आबादी में आश्चर्यजनक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आंकड़े कहते हैं कि असम में साल 1951 में मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि दर 24.68% थी, जो 1991 में 28.43% हो गई, लेकिन साल 2011 में ये बढ़कर 34.22% हो गई। इसे एक दूसरे आंकड़े से इस तरह समझा जा सकता है,
घुसपैठियों की वजह से 1971 से 1991 के बीच जहां हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर 41.89% रही, वहीं मुस्लिम आबादी का इजाफा 77.74% की दर से हुआ। असम में जनसंख्या के इन आंकड़ों के बावजूद मुस्लिम वोटों की सौदागरी करने वाले नेताओं को मिर्ची लगी है और वो सेना प्रमुख को नसीहत दे रहे हैं कि राजनीति न करें। आर्मी की भी हमेशा ये एक परंपरा रही है कि उसका कोई भी अफसर बड़ा या छोटा सियासी मामला में नहीं पड़ता, वो अपने आप को सियासत से ऊपर समझते हैं और अलग समझते हैं। मैं समझता हूँ बिपिन रावत जी ने जो कुछ भी कहा है वो उनके ओहदे के लिए जेब नहीं देता है और उनको इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। बहरहाल जब सेना प्रमुख के बयान पर सियासत सुलगी तो सेना का भी बयान आया। सेना ने साफ किया कि सेना अध्यक्ष के बयान को गलत समझा गया, लेकिन इस पूरे विवाद में सेना अध्यक्ष विपिन रावत ने डोकलाम विवाद के बीच पाकिस्तान और चीन के जिस बांग्लादेशी बम वाली साजिश का इशारा किया उसकी गंभीरता को ताक पर रख दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।